नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। अच्छा, अगर किसी शख्स पे कोई आरोप हो तो उस पे जांच होती है, पूछताछ होती है, लेकिन अगर कोई जांच को प्रभावित करे, यूं कहिए कि वो भीड़ तंत्र का प्रयोग करे, तो उसे आप क्या कहेंगे? आज राहुल गांधी को ईडी ने तलब किया, तो कांग्रेस नेताओं ने जांच को प्रभावित करने के लिए ईडी कार्यालय पे जम के शोर शराबा किया। यही नहीं, दिल्ली के ईडी कार्यालय पे बल्कि देश भर के जो ईडी कार्यालय थे उन पे प्रदर्शन हुए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये प्रदर्शन की बात छोड़ दीजिए, दूसरे दल ये भी कह रहे हैं कि ये जो जांच हो रही है राहुल के खिलाफ, वो जांच राजनीतिक द्वेष के कारण हो रही है। और दिलचस्प ये है कि कुछ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में जो लोग शामिल हुए हैं और अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उन पे कोई एक्शन नहीं है, बस एक्शन लिया जा रहा है तो विपक्ष के नेताओं पे लिया जा रहा है, ये उनका कहना है। अब ये बड़ी अजीब बात है, आप समझ लीजिए कि राहुल को आज ईडी ने क्यों तलब किया, क्यों राहुल अपने साथ भीड़ लेके आए थे, क्या उनको कहीं उनके जहन में अपनी गिरफ्तारी का डर था? आइए समझते हैं कि क्या पूछताछ हुई, कैसे ईडी ऑफिस के बाद कांग्रेस वर्कर में अफरा तफरी मची रही, पूरा दिन मची रही। फर्स्ट राउंड की उनसे पूछताछ हो चुकी है और सेकंड राउंड की पूछताछ अभी हो रही है, लेकिन जब राहुल गांधी वहां पहुंचते हैं तो उनके साथ पैदल मार्च करके कांग्रेस मुख्यालय से कुछ नेता भी उनके साथ थे, जिनको वहीं सड़क पे रोक लिया और कुछ वहीं धरने पे बैठे रह गए। पुलिस ने धरना दे रहे कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को और उनके साथ कई अन्य नेताओं को हिरासत में लिया, वगैरह वगैरह। दरअसल ईडी का ये केस ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पे आधारित है जिसपे उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेशनल हेरल्ड मामले की जांच और सोनिया राहुल के टैक्स असेसमेंट का आदेश दिया हुआ था। कांग्रेस ने ईडी का समन जारी होने के बाद इसे बदले की कार्रवाई बताया था और कहा कि उनके नेता सरकार के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। यह बयान राहुल बार बार कह रहे हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और उसके बाद राहुल और सोनिया से पूछताछ के लिए समन जारी होते हैं और आज जैसा कि पूछताछ अभी भी जारी है, लेकिन ईडी कार्यालयों के सामने प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या किसी की जांच नहीं होनी चाहिए? क्या कभी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किसी की जांच नहीं की थी? बहुत सारे सवाल हैं जहन में सभी लोगों के। ईडी ने कुछ हफ्ते पहले ही इसी केस में कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि नेशनल हेरल्ड केस क्या है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पे घाटे में चल रहे नेशनल हेरल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसों की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। और उस आरोप के मुताबिक इन कांग्रेसी नेताओं ने नेशनल हेरल्ड की संपत्तियों पे कब्जे के लिए यंग इंडिया लिमिटेड यानी कि YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और उसके जरिए नेशनल हेरल्ड प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड यानी कि AJL का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेरल्ड हाउस की 2000 करोड़ की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर के सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत इस केस से जुड़े हुए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। इस मामले में जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया,
राहुल समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया था। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था और ये उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर किया था। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब ईडी ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया और राहुल को सम्मन जारी किया है। अब देखिए, कांग्रेस इन सभी आरोपों को खारिज कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि YIL को मुनाफा कमाने के बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था और कांग्रेस का ये भी कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं बल्कि कमर्शियल था। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी कहते हैं कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन सकता है। सिंघवी ये भी कहते हैं कि AJL जब घाटे में आ गया तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। इससे AJL पर लोन आ गया और उसने इस लोन को इक्विटी में बदला और 90 करोड़ के लोन को नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन यंग इंडिया नॉन फॉर प्रॉफिट काम करती है और इसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया जा सकता। सिंघवी का ये भी दावा है कि इसका मतलब कि आप इस कंपनी से एक रुपया भी नहीं ले सकते। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब AJL के पास ही पहले की तरह से नेशनल हेराल्ड की सभी प्रॉपर्टी और प्रिंटिंग और पब्लिशर बिजनेस पर अधिकार हैं। केवल एक बदलाव है ये कि AJL के शेयर यंग इंडिया के पास है लेकिन यंग इंडियन इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती। वह ना तो लाभांश दे सकती है ना ही प्रॉफिट कमा सकती है। तो ये है मामला और अभी राहुल से पूछताछ जारी है। ईडी के पास हैं वो इस समय और बाहर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए हैं लेकिन पुलिस ने उन्हें काफ़ी दूर रोका हुआ है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं, राहुल पे ये जो जांच हो रही है ये होनी चाहिए या नहीं? सवाल बहुत सारे होंगे आपके दिमाग में। आप अपनी कोई भी आपके दिमाग में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी और कहानी के साथ, किसी और खबर के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।